वी आई करेक्टरिस्टिक्स ए पी एन जंक्शन डायोड ग्राफ़ है अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में जब पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है और रिवर्स बायस्ड होता है इन केस ऑफ आप वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हो वैसे ही स्टार्टिंग में तो करंट की वैल्यू बहुत कम होती है पर जैसे ही वोल्टेज इन वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है तब जो आपके पास फॉरवर्ड करंट है वो अच्छे से फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है और ये जो करंट है आपके पास ये मिली एम्पेयर में आता है जो करंट है वो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ़्लो करता है इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग जो आपके पास करंट है वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है तो जो उसकी वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है विद अप्लाइड वोल्टेज बट अगर आप वो वोल्टेज बढ़ाते जाओगे और एक वोल्टेज ऐसी आती है जिसमें पी जंक्शन डायोड वर्क करना बंद कर देता है क्योंकि उस टाइम जो इंक्रीज़ है करंट में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से पीएन जंक्शन डायोड वर्क करना बंद कर देता है जिसे हम कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन मोर डिटेल प्लीज क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन थैंक